सबसे पहले हम लोग जाएंगे सैंपल कलर्स में और यहाँ से ब्लू कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक वन के ऊपर। देन इस पे राइट क्लिक करके ड्यूरेशन में जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे 49 सेकंड पे। देन हम लोग जाएंगे टाइटल्स के अंदर और डिफॉल्ट टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक टू के ऊपर एंड इसकी ड्यूरेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे 7 सेकंड पे। एंड देन इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम लोग अब फॉन्ट को चेंज करेंगे। फॉन्ट जो यूज कर रहे हैं उसका नाम है अमेरिकन कैप्टन। फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन फॉन्ट के साइज को हम लोग इंक्रीज करेंगे, 80 की जगह इसको हम लोग रखेंगे 96 पे। एंड देन हम लोग हमारे टेक्स्ट को एंटर करेंगे। टेक्स्ट को एंटर करने के बाद में हम लोग टेक्स्ट की स्पेसिंग को इंक्रीज करेंगे बाई 5। टेक्स्ट की स्पेसिंग को इंक्रीज करने के बाद में इसको हम लोग हल्का सा अलाइन करेंगे सेंटर में अपवर्ड की तरफ। देन एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम लोग एक टेक्स्ट को ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद में हम लोग टेक्स्ट के साइज को रिड्यूस कर देंगे 42 पे। टेक्स्ट के साइज को रिड्यूस करने के बाद में अब हम लोग हमारे टेक्स्ट को यहाँ से चूज करेंगे जो यूज कर रहे हैं उस टेक्स्ट को। देन हम लोग कुछ इस तरह से टेक्स्ट को अलाइन करेंगे, इसको हम लोग डार्क विजन के नीचे सेंटर में अलाइन करेंगे एंड देन इस पे डबल क्लिक करके हम लोग हमारे टेक्स्ट को चेंज करेंगे। टेक्स्ट एंटर करने के बाद में हम लोग टेक्स्ट फिल को चेंज करेंगे इमेज फिल के ऊपर और यहाँ से अब हम लोग हमारे टेक्स्ट के लिए टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस हम लोग जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है उसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। टेक्सचर को सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग टेक्स्ट शेडो को ऑन करेंगे और सेकंड जो हमारा टेक्स्ट है उसकी भी टेक्स्ट शेडो को ऑन करेंगे और टेक्स्ट के डिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर देंगे और इसको रखेंगे 2 पे एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब अगेन डबल क्लिक करेंगे और जो ग्राफिक मोशंस हमने लिखा हुआ था उसकी टेक्स्ट स्पेसिंग को इंक्रीज करेंगे और टेक्स्ट स्पेसिंग को हम लोग रखेंगे 15 पे। अब इस टेक्स्ट क्लिप को हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे 7 सेकंड के बाद में और सेम प्रोसेस हम लोग रेस्ट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। सारे टेक्स्ट एंटर करने के बाद में अब हम लोग हमारी क्लिप को करेंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लिप को नाम दे देता हूँ टेक्स्ट वीडियो फाइल। फॉर्मेट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ MOV। सेटिंग्स में जाके क्वालिटी को बेस्ट पे रखते हैं और बिट रेट को 50,000 पे कर देते हैं, ओके प्रेस करके और एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अब हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम लोग ये सारी फाइल्स को यहाँ से कंट्रोल A करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर दें। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे और यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट वीडियो फाइल क्रिएट करी थी उसको इंपोर्ट करेंगे, प्लस जो रेस्ट ऑफ फाइल्स हमें रिक्वायर्ड है ये सिनेमेटिक टाइटल क्रिएट करने के लिए उन सबको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में जो टेक्स्ट वीडियो फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग ट्रैक 2 के ऊपर। ट्रैक 2 पर ड्रॉप करने के बाद में हम लोग हल्का सा हमारी टाइमलाइन के ऊपर हल्का सा जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद में हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे और क्रोमा की को अनेबल करेंगे और यहाँ से पिक टूल को सिलेक्ट करके और ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे। एंड देन हम लोग जाएंगे कलर्स में और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे एडवांस्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, आप कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं अगर आप चूज करना चाहें। मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ ब्लॉकबस्टर, ओके प्रेस कर देंगे। देन अब हम लोग एवरी 7 सेकंड के बाद में इस पे कट लगाएंगे। 7 सेकंड पे कट लगाने के बाद में हम लोग बैकग्राउंड क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 1 के ऊपर एंड देन प्ले हेड को 7 सेकंड पे लेके जाएंगे और जो हमारी बैकग्राउंड क्लिप है उसको हम लोग कट करेंगे 7 सेकंड पे, हम रेस्ट ऑफ पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब हम लोग प्ले हेड को लेके जाएंगे क्लिप के स्टार्टिंग पॉइंट पे और बैकग्राउंड क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करके एनिमेशंस में जाएंगे और कस्टम के अंदर हम लोग की फ्रेम ऐड करेंगे और इसकी स्केल को हम लोग इंक्रीज करेंगे 200% पे। एंड देन हम लोग प्ले हेड को लेके आएंगे 8 फ्रेम्स फर्दर और 8 फ्रेम्स आगे लेके आने के बाद में हम लोग स्केल को रिड्यूस कर देंगे 120 के ऊपर एंड देन प्ले हेड को लेके जाएंगे 6 सेकंड पे और स्केल को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे 100%। अब इसी तरह से हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्ले हेड को स्टार्टिंग में लेके जाएंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे, उससे पहले हम लोग वीडियो में जाएंगे और वीडियो में हम लोग जाके और इसकी वाई एक्सेस को -35 पे सेट करेंगे। अगेन हम लोग एनिमेशन के अंदर आएंगे और यहाँ से स्केल को इंक्रीज करेंगे 400% पे। देन अगेन प्ले हेड को 8 फ्रेम्स फर्दर लेके आएंगे और स्केल को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे 100% पे। देन प्ले हेड को हम लोग लेके आएंगे 4 सेकंड पे और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट की स्केल को रिड्यूस कर देंगे 90% पे एंड ओके प्रेस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारी फ्लेयर है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 3 के ऊपर एंड देन इस पे डबल क्लिक करके हम लोग कलर्स में जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आप अपने हिसाब से जो आपको फ्लेयर का कलर देना है वो आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्राइटन चूज कर रहा हूँ
एंड देन वीडियो में जाएंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे, देन इसकी स्पीड को हम लोग इंक्रीज करेंगे 2x पे एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब हम लोग हमारी जो ब्लू फ्लेयर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 4 के ऊपर एंड देन डबल क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे एंड वाई एक्सेस पे इसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे और हल्का सा इसको और स्केल करेंगे हम एंड देन इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे और पेस्ट करी हुई क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको अगेन हम लोग अलाइन करेंगे, इसको थोड़ा नैरो करेंगे हम, प्लस इसके साइज को भी हम लोग रिड्यूस करेंगे। साइज रिड्यूस करने के बाद में इसकी पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे लेटर एन के ऊपर, आप किसी भी लेटर के ऊपर इसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। देन अगेन इसकी वाई एक्सिस को हम लोग हल्का सा और अलाइन करेंगे, देन इसको हम लोग कॉपी करेंगे, प्ले हेड को ब्लैंक में लेके आएंगे और पेस्ट कर देंगे। डबल क्लिक करके इसकी एक्स एक्सेस की पोजीशन को अब हम लोग डिफाइन करेंगे डी के ऊपर, आप कोई भी लेटर के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। अगेन एक और बार इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद में अब इसकी पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। सो इसकी पोजीशन को हम लोग जो हमारे नीचे वाले लेटर्स हैं उनके ऊपर इसको डिफाइन करेंगे, जैसे इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को हम लोग आर के ऊपर रखेंगे, डबल क्लिक करके एनिमेशंस में जाके एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करेंगे, देन प्ले हेड को हम लोग लेके जाएंगे एंड पॉइंट पे जो हमारी क्लिप का एंड पॉइंट है उस पे, और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और की फ्रेम को थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी फ्लेयर है उसकी पोजीशन को एंड पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे एन के नीचे, या फिर आप कह सकते हैं ग्राफिक मोशंस के अंदर एन के ऊपर, और की फ्रेम को हम लोग मैच करवा देंगे एंड पॉइंट से। सो अब ये हमारी फ्लेयर ट्रैवल होगी आर से एंड पॉइंट पे। सो सेम प्रोसेस हम लोग रेस्ट ऑफ क्लिप्स जो हैं उनके ऊपर भी हम लोग करेंगे। अब फाइनल एनिमेशन को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 3 के ऊपर, वीडियो में जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग मल्टीप्लाई पे चेंज करेंगे एंड इसकी स्पीड को हम लोग यहाँ से इंक्रीज करेंगे 2x पे एंड देन इसको हम लोग जो हमारी फर्स्ट क्लिप है 7 सेकंड की उसके एंड पॉइंट पे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ये वर्क करेगा एज अ ट्रांजिशन। अब जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है उसके ऊपर भी हम लोग वैसे ही की फ्रेम्स लगाएंगे जैसे हमने पहले टेक्स्ट के ऊपर लगाए थे एंड देन हम लोग ये सारी फ्लेयर्स को जो हमने लगाई थी इनको कॉपी करेंगे और 7 सेकंड पे प्ले हेड को लेके आएंगे और पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे हमारी जो फ्लेयर्स हैं उनकी पोजिशन को दोबारा से अलाइन करेंगे। अब हम लोग जो हमारा थर्ड क्लिप है 7 सेकंड की उसके ऊपर भी हम लोग बैकग्राउंड को पेस्ट करेंगे एंड देन 7 सेकंड की जो क्लिप थी थर्ड पॉइंट पे थर्ड नंबर पे उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे और हाफ ऑफ सेकंड पे इसकी ड्यूरेशन को रखेंगे एंड सेम चीज हम लोग बैकग्राउंड के साथ में भी करेंगे कि बैकग्राउंड को भी हम लोग हाफ ऑफ सेकंड की ड्यूरेशन पे रखेंगे एंड देन हम लोग फ्लेयर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग थर्ड क्लिप के ऊपर फ्लेयर को पेस्ट करेंगे एंड देन टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करके एनिमेशंस में जाएंगे और यहाँ पे अब हम लोग टेक्स्ट की स्केल को इंक्रीज करेंगे और इसकी स्केल को हम लोग रखेंगे 300 पे एंड देन प्ले हेड को हम लोग 8 फ्रेम्स फर्दर लेके आएंगे और यहाँ पे इसकी स्केल को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 100 पे। अब इसी तरह से हम लोग हमारी फ्लेयर की पोजीशन को भी अलाइन करेंगे, तो फ्लेयर की पोजीशन को भी हम लोग इस तरह से अलाइन करेंगे कि जहाँ पे हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है तो उस टेक्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें फ्लेयर्स मिले और फ्लेयर फिर ट्रैवल होगी जो हमारा टेक्स्ट है उसके साथ में। सो ये जो फ्लेयर का प्रोसेस है ये हम लोग यूज करेंगे हमारे टेक्स्ट के चारों कोने में, तो टेक्स्ट के चारों तरफ हम लोग फ्लेयर्स को इसी तरह से यूज करेंगे कि जब हमारा टेक्स्ट शो होगा तो फ्लेयर हमें शो होंगी एंड देन फ्लेयर ट्रैवल होगी टेक्स्ट के साथ में, तो उस हिसाब से हम लोग की फ्रेम्स लगाएंगे। अब हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ से फ्रेम के अंदर जाएंगे और सिनेमैटिक बार्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 7 के ऊपर एंड देन इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे टिल एंड, जो हमारी क्लिप का साइज है उस साइज के हिसाब से इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो अब इस क्लिप को हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ फाइनल सिनेमैटिक टाइटल एंड सेटिंग्स में जाएंगे, बेस्ट पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करके और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो इसको एक बार अब हम प्ले करके देखते हैं।